नमस्कार, वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं राज शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है इमिग्रेशन से जुड़ी, बड़ी खबर आ रही है वीजा को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पिछले कुछ समय से US, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के वीजा, खासकर माल्टा की अपॉइंटमेंट डेट्स नहीं मिल रही हैं, और जिसका हमने भी आगे उठाया मुद्दा सरकार की तरफ, एम्बेसीज को मेल करी, वहाँ के एम्बेसीज को मेल करी हमारी टीम ने, और इस मुहिम को चलाते हुए लोगों से ट्वीट करवाए, जिसके बाद अभी कुछ सुधार करने के प्रयास कर रही हैं एम्बेसीज। यूरोपीय संघ और अमेरिका जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा को छोड़कर बाकी सब तैयार है। ऐसा ये केस आया दोस्तों, राजेश शर्मा गुड़गांव के रहने वाले, बदला हुआ नाम, और निजी क्षेत्र में कार्यकारी यानी कि प्राइवेट बिजनेस अपना करते थे, और ग्रीस जाने के लिए शैंगन वीज़ा अप्लाई किया, उन्हें एक महीना हो गया और कोई जवाब नहीं, जबकि 14 वर्किंग डेज में जवाब दिया जाना चाहिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए। एक महीने से उनके केस पर कोई भी जवाब नहीं दिया ग्रीस की एम्बेसी ने। उन्हें किसी जरूरी काम में, किसी जरूरी ग्रुप में, समूह में शामिल होना था, और उन्होंने बताया कि इसी वजह से मुझे टिकट्स भी रद्द करनी पड़ी, क्योंकि जब मुझे वीज़ा ही नहीं मिल रहा, मुझे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों वहाँ पर पैसा खर्च करूँ। और उन्होंने बताया कि मेरा पासपोर्ट ग्रीस दूतावास में के पास पड़ा हुआ है। शर्मा जी ने कहा कि मेरे पासपोर्ट में US, UK और कनाडा के लिए 10 साल का मल्टीपल वीज़ा ऑलरेडी मिला हुआ है, और मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो हर साल यूरोप की यात्रा कर रहा हूँ, जब तक कि मैं कोविड से प्रेरित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रबंधों के कारण नहीं जा सका। कोविड की वजह से उन्होंने बताया कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। मेरे पास UK का वीज़ा है, US का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी वीज़ा देने में टाइम लगा रही है अगर गवर्नमेंट, तो फिर कैसे चलेगा। अमेरिका, यूरोप, कनाडा के वीज़ा में भी समय लग रहा है, मांग अधिक है, वहाँ के एम्बेसी ने कहा कि अभी इसमें डिमांड बढ़ चुकी है कोविड के बाद, परंतु टीम्स अवेलेबल नहीं है पूरे लेवल पर। अभी ये स्टाफ बढ़ाने की पूरी कोशिश करें कि स्टाफ बढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। तो दोस्तों, भारत के स्विट्जरलैंड के दूतावास को एक प्रवक्ता ने इस मामले में IT के सवाल पर जवाब देते कहा कि जहाँ वीज़ा आवेदनों की वृद्धि हुई है, वीज़ाज में वृद्धि हुई है, परंतु स्टाफ कम होने की वजह से हम जल्दी वीज़ा इशू नहीं कर पा रहे हैं, हमें टाइम लग रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिन यात्रियों ने जून के दूसरे वीक में दिल्ली NCR में टूर ऑपरेटर के साथ स्विट्जरलैंड के कुछ पैकेज बुक किए थे, उन्हें भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सीधा सीधा उन्होंने बोला कि आपको जो है अपना वेट करना पड़ेगा, और दूसरा आपको समझना होगा इस चीज़ को, रीज़न बिहाइंड दैट, कि वहाँ की ये जो एम्बेसीज हैं उनके पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ चुके, तो थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि समय लग रहा है, तो उस समय को आपको वेट करना ही पड़ेगा, और जल्द ही इसका सोल्यूशन एम्बेसीज निकालने जा रही हैं, तो इस प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा आपके आने वाले समय में। आज के लिए जाना चाहूँगा बने लेटेस्ट खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।